हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के पहले व्लॉग और मेरे चैनल के पहले व्लॉग में, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं और जहां मैं खुद जाने वाला हूं, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम, जहां हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम खुद ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो शायद हमने पहले भी नहीं देखी होगी कभी। तो देखेंगे वहाँ पर कैसी कैसी चीज़ें वहाँ पर मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ से सीधा जनपथ मार्ग ले जाऊँगा और हम आपको सीधा एम्पोरियम के अंदर ही मिलेंगे, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कौन से लेवल पे कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, एक और बात, मैं इसकी टाइमिंग की अगर बात करूँ सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम की, तो ये सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। और डेज की बात करें तो ये 7 दिन खुलता है। और मतलब आपको यहाँ पर जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं और हैंडलूम्स हैं, सब आपको इंडियन आर्टिस्ट, जो भी हमारे इंडिया के आर्टिस्ट हैं, जो भी हैंडक्राफ्ट में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर एंटर कर चुके हैं और यहाँ हम लेवल 1 पर हैं। मतलब लेवल 1 से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें रखी हुई है, जो भी शिल्पकारी है और जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम्स हैं, वो सब लेवल बाय लेवल रखे हुए हैं। मतलब कि हर फ्लोर पर रखे हुए हैं, तो उन्हीं को उस हिसाब से इन्होंने लेवल नाम दे रखा है। एज ए फ्लोर बोलेंगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए लेवल 1 लेवल 2 ऐसे करके रखे हुए हैं यहाँ पर सामान। और ये सारे के सारे देखिए, सारी चित्रकारी सब हैंडमेड है। ये देखिए, ये सारे म्यूज़िक कंपोनेंट्स जितने भी हैं, इंस्ट्रूमेंट्स माफ़ कीजिएगा, सारे के सारे सब हैंडमेड है। तो आगे बढ़ने पर मुझे ये बहुत ही बेहतरीन चित्रकारी नज़र आई, जिसमें ढोलक और तबला दोनों बने हुए हैं, सब हैंडमेड हैं। और इसके प्राइस की अगर हम बात करें, 3,226 रुपये की ये पेंटिंग है, और जो कि वाटर कलर्स यूज़ हुए हैं और सब हैंडमेड है। जयपुर से, शायद ये जयपुर के लोगों ने बनाया होगा। तो दोस्तों, इसे अब यहीं रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम आगे और भी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं सिल्वर हैंडीक्राफ्ट्स पर, जहाँ पर जितने भी हैंडलूम्स और हैंडक्राफ्ट्स हैं, सब के सब यहाँ पर सिल्वर के बने हुए हैं। मतलब यार, लिटरली इनके शेप्स की अगर हम बात करेंगे ना, तो हमें दिखेगा यार, मतलब इतना अच्छा डिज़ाइन, हैंडमेड सब कुछ बना हुआ है। तो यहाँ से आगे जाने पर अब हमें मिलेंगे कारपेट्स और दरीज। देखिए दोस्तों, मतलब यार आप देखो ध्यान से इन्हें, बहुत ही सुंदर यार, अति सुंदर, मज़ा आ गया देख के। तो और ये बुद्धिस्ट जितने भी स्कल्पचर्स हैं, मतलब यहाँ पर आप देखें, इसका प्राइस देखिए, 1,18,250 रुपये यार। मतलब लिटरली इतनी मेहनत की होगी यार उस बंदे ने। तो अब हम गणेश जी की मूर्ति की बात करते हैं, तो 96 इंचेस की गणेश जी की मूर्ति है, जिसका प्राइस यहाँ पर 3,74,110 रुपये शो हो रहा है। और ये सारा का सारा हैंडमेड है, सारा हैंडमेड है यहाँ पर, आप देख सकते हो। मतलब शिल्पकारी के मामले में देखो आप, इतना अच्छा इसमें गणपति। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम जब आएंगे, तो हमें दिखेगा ये वुडन वर्क, जो बहुत ही बेहतरीन नक्काशियों से बना हुआ है। ये देखिए, ये देखिए यार, मतलब अलग ही बात है। यहाँ से सामान ले जाने का मतलब है आप रॉयल बन जाएंगे पूरे के पूरे। ये बक्सा देखो, अगर ये घर में आ गया हमारे, तो लगेगा कि पता नहीं कितना इसमें सोना है, रखने हमने वही बर्तन है। और फिर थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें मिलते हैं पोर्सलिन के ये सारे हैंडमेड शिल्पकारी जितनी भी है, ये देखिए। और यहाँ से आगे चलने पर ये देखिए, ताजमहल जो कि संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है।
तो हाँ जी, हम आ चुके हैं एक और लेवल अप। तो जैसे जैसे हम लेवल अप होते जा रहे हैं, चीज़ें भी और ही ज़्यादा रॉयल होती जा रही है। देखिए, सारे के सारे जितने भी यहाँ पर जो भी सामान रखा हुआ है घर में, आप नॉर्मली देखते होंगे कि लोग सोफ़ा रखते हैं, कुर्सी रखते हैं, चेयर्स जो भी और टेबल्स होते हैं, सब कुछ यहाँ पर रॉयल है। और यार मैं मतलब प्राइस भी नहीं इसका बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि यार इतने में तो हमारा एक घर तैयार हो जाता है जितना ये महंगा है सामान। और वही है कि आज के इस एरा में जहाँ पर लोगों ने जितना ज़्यादा हमारे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया है, वहाँ पर हैंडक्राफ्ट्स को बिल्कुल ही कम समझ लिया है। लोगों को चीज़ें अब नई टेक्नोलॉजी वाली चाहिए। देखिए, और ये देखिए, जितने भी हैंडक्राफ्ट्स हैं सब इंडियंस ने ही स्टार्ट किया था। मतलब जितने भी फॉरेन के लोग हैं वो सब के सब यहाँ पर हैंडक्राफ्ट सीखने आते हैं, जितने भी शिल्पकारी है सब यहीं सीखने आते हैं। और यार हम लोगों को देखो, हम लोग अब बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। देखिए तो दोस्तों, यहाँ पर बस यही सब था, बस तो नहीं कहेंगे, ये बहुत ही कुछ है जो भी आपने देखा अभी तक। हाँ, इसमें से मैंने आपको दो डिपार्टमेंट्स ने दिखाए हैं, एक जहाँ पर फैब्रिक्स मिलते हैं और एक जहाँ पर किड्स वेयर मिलते हैं। मतलब किड्स वेयर ना कह लो, बच्चों के खिलौने कह लो, क्योंकि वहाँ पर वीडियो शूट मना था और एक्चुअली ये सब कुछ मना ही था। चलते हैं अब यहाँ से, और आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा विज़िट जो हमने किया, और जितने भी डिटेल्स आपको दी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों, अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, और जाते जाते मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा ये मेरा पहला व्लॉग, और देखिए हमारे साथ कौन आया है। देखिए मिस सिन्हा जी कैसे सो रही हैं, बिल्कुल थक चुकी हैं एकदम लग रहा है।